अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, IPUS सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आपने बिल वाइज ग्रॉस मार्जिन या बिल वाइज आइटम वाइज ग्रॉस मार्जिन अगर आपने देखना है तो वो आप किस तरह देख सकते हैं। जो रेगुलर सॉफ्टवेयर के अंदर रिपोर्ट्स हैं ग्रॉस मार्जिन की, वो आपको नजर आती हैं। रिपोर्ट्स के अंदर जाएंगे स्टॉक पोजिशन के अंदर और ग्रॉस मार्जिन के अंदर, यहाँ पे आपको बेशुमार ग्रॉस मार्जिन से रिलेटेड आपको रिपोर्ट्स मिल जाएंगी मुख्तलिफ क्राइटेरियाज के ऊपर, जिसमें आपको कैटेगरी वाइज, सब कैटेगरी वाइज, सप्लायर वाइज, ब्रांड वाइज, आइटम वाइज, समरी, मंथली, ये बेशुमार रिपोर्ट्स हैं जो आपको यहाँ पे मिलती हैं। लेकिन इसके अंदर एक चीज जो आपको मिलेगी नहीं, वो है बिल वाइज आपको ग्रॉस मार्जिन और बिल वाइज आइटम वाइज ग्रॉस मार्जिन, वो आपको नहीं मिलेगा। उसके लिए हमने क्या करना है, अच्छा ये भी मैं आपको बताता चलो, इस पूरे फॉर्म्स के ऊपर जो रिपोर्ट्स हैं इसके लिए सेपरेट एक वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर अपलोडेड है, वो आप डिटेल में देख सकते हैं। लेकिन आज जो बिल वाइज की रिपोर्टों के बारे में मैंने ये आपको बताना है, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, ये लेफ्ट साइड पे देखिएगा PSP का ब्लू कलर का बटन आपको नजर आएगा। अक्सर कस्टमर को नजर आता है लेकिन वो कभी इसको खोल के देखते नहीं है, वो इसी को इग्नोर कर देते हैं। हालांकि इस बटन के अंदर बेशुमार चीजें हैं जो हर यूजर के काम की हो सकते हैं, लेकिन वो ना खोल के देखते हैं ना ट्राई करते हैं, इसलिए वो इससे ना वाकिफ रहते हैं। इसके अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको एक जो बटन है ADV का, ये वाली जो टाइप है, इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, ये आपको बटन नजर आ रहे हैं पिंक कलर के। इसके अंदर सबसे पहले तो अगर आपने देखना है कि इस बिल के ऊपर मेरा क्या क्या ग्रॉस मार्जिन है, तो आपने ग्रॉस मार्जिन बाय बिल और किस डेट से, 4 से 4 तक, यहाँ पे मैंने इस पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। यहाँ पे आ जाएगा कि ये आपका बिल बना है, ये आपका बिल बना है, डेट थी, बिल के अंदर क्वांटिटी थी, उसका सेल टोटल, कास्ट टोटल, मार्जिन और उसकी परसेंटेज। आखिरी पेज पे आप चले जाएंगे तो आपको इन्हीं चीजों की एवरेज आ जाएगी और ये आपको इनका टोटल आ जाएगा। ये तो हो गया बिल वाइज। अगर आपने पिछली डेट का देखना है या पिछले महीने का देखना है तो आप यहाँ से डेट चेंज करके देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने यही वाली रिपोर्ट देखनी है कि ये रिपोर्ट तो आपको दिखा रही है, ये बिल है, इसके अंदर 2 आइटम्स हैं और इसके ऊपर ओवरऑल मार्जिन आपको पूरे बिल के ऊपर इतना है, लेकिन अगर आपने ये देखना है कि ये 2 आइटम कौन से हैं जिनके ऊपर मुझे कितना कितना मार्जिन है, इसके लिए फिर आपने इसी के साथ बटन है ग्रॉस मार्जिन बाय बिल SD, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ये नजर आएगा कि ये बिल नंबर था, इसके अंदर ये 2 आइटम थे, एक की ये डिटेल और दूसरे की ये, और वही चीज आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी। तो पहले वाले बटन के अंदर सिर्फ ये वाली लाइन शो होती है और ऊपर वाली शो समझ ले नहीं होती, जबकि इसके अंदर बिल नंबर और उसके आइटम्स और फिर उसकी डिटेल आती है। इसके बाद जो तीसरी चीज है वो है ग्रॉस मार्जिन बाय कैटेगरी और सब कैटेगरी। जिन कस्टमर्स ने कैटेगरीज और सब कैटेगरीज तक सॉफ्टवेयर को मेंटेन किया हुआ है, तो उसके लिए फिर ये बहुत ही मजे की रिपोर्ट है। हमने इसको कर देना है चकम से लेके और 4 तक, ताकि इसके अंदर हमें डाटा नजर आ जाए। ग्रॉस मार्जिन बाय कैटेगरी एंड सब कैटेगरी, इस पर हमने क्लिक करना है। यहाँ पे सिस्टम बताएगा कि ये कैटेगरी थी मिल्क की, इसके अंदर ये उनकी 3 सब कैटेगरीज थी, जो इस कैटेगरी के ऊपर कास्ट टोटल, सेल टोटल, मार्जिन और ये उसकी परसेंटेज है, ये उसकी परसेंटेज है, फिर ये उसकी परसेंटेज है, इसी तरह सेकेंड कैटेगरी और ये उसकी डिटेल दी। तो ये इस तरह आप अपनी ग्रॉस मार्जिन की जो रिपोर्ट है वो आप देख सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि मेरी ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, कमेंट्स के अंदर जरूर इसका इजहार कीजिएगा। अल्लाह आपका अमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।